जौनपुर जिला के मछली शहर तहसील के मीरगंज में नहीं हो पाई शहीद राजेश बिंद की मूर्ति की स्थापना। मूर्ति का फेस राजेश बिंद के फेस से टेली नहीं कर रहा था, वापस कर दी गई मूर्ति। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 24 मई 2018 को नक्सलवादियों के मुठभेड़ में ग्राम सभा मीरगंज के करियाव गांव निवासी कोबरा बटालियन के राजेश बिंद शहीद हो गए थे। शहीद राजेश बिंद की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके तेली चित्र पर शहीद की पत्नी उषा बिंद ने शहीद स्थल पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहीद स्थल पर करियाव गांव की प्रधान आशा किन्नर, समाज सेवी जत सिंह अन्ना, सुरेश सहित गणमान्य लोगों ने नम आंखों से पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। शहीद राजेश बिंद की याद में जिले की सभी पार्टी के नेताओं, सांसद, विधायक ने अपने बड़े बड़े भाषण में कहा कि मैं शहीद के नाम पर करियाव गांव सभा में गेट बनवा दूंगा, शहीद के नाम पर सड़क का नाम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण शहीद के नाम पर राजेश बिंद के नाम करवा दूंगा और शहीद राजेश बिंद की मूर्ति की स्थापना पार्क सरकारी जमीन में करवा दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं करवा पाए आज तक। अंततः शहीद के भाई सुरेश बिंद और शहीद की पत्नी उषा बिंद ने अपने निजी खर्चे से शहीद की मूर्ति स्थापना का कार्य शुरू कर दिया। अपनी जमीन में बाउंड्री वॉल बनवाया और मिट्टी डलवाकर मूर्ति स्थल पर गुंबद बनवाया और गेट बनवाया। मूर्ति बनवाने का ऑर्डर जयपुर की कंपनी को दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई भी सहायता नहीं मिली। मूर्ति का फैस मैच न करने के कारण मूर्ति बनाने वाली कंपनी को वापस कर दिया गया। सर, आज मूर्ति स्थापना होनी थी, क्यों नहीं हुई? मूर्ति बनके आ गई थी राजस्थान से। हाँ जी, लेकिन जो मूर्ति का फेस था वो राजेश जी के फेस से मैच ही नहीं कर रहा था। मैच न करने की वजह से गाँव वासियों सभी लोग ने देखा और नकार दिए कि नहीं, ये मूर्ति स्थापित नहीं हो, क्योंकि ये मूर्ति दूसरी की प्रतीत हो रही मूर्ति, और हमारे राजेश, शहीद राजेश की मूर्ति नहीं प्रतीत हो रही, इसलिए ये नहीं लगना चाहिए। सभी लोगों ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए मूर्ति वापस चली गई बनने के लिए, और बन के बाद में रेक्टिफाई होकर आएगी तब फिर मूर्ति। सर कहाँ से आ रही थी मूर्ति? जयपुर राजस्थान से बनी। कितने का कॉन्टैक्ट था उसका? कॉन्टैक्ट 2.5 लाख का। और यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट से वापस चली गई? हाँ। तो कब तक आने की संभावना है? अभी वो एक महीने का टाइम दिया, महीने में रेक्टिफाई कर। आपका शुभ नाम? सुरेश बहादुर, शहीद राजेश कुमार बिंद के बड़े भाई।